नमस्कार आप सभी को। और आज हम बनाने वाले हैं वेज काठी रोल। अब ये देखिए उसका है डो है तैयार। और अभी हम बनाएंगे रुमाली। तो रुमाली के लिए हमें चाहिए उल्टे तवे की कढ़ाई और जो कि रेडी है। अब ये शेफ रुमाली का जो डो है उसका ये पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी ये पेड़े बनाएंगे, सारे एक साइज़ के पेड़े बनाएंगे और एक जो पेड़े के दो काठी रोल बनेंगे। तो अभी ये देखिए बना रहे हैं एक साइज़ के, हमारे पेड़े हैं तैयार। और अभी देखिए इसका हम रुमाली बनाएंगे। ये देखिए शेफ़ अभी रुमाली बनाना चालू कर दिए हैं। तो रुमाली बनाते वक्त ध्यान में रखिए कि जो आप जब बेलते हैं इसको तो इसके साइड्स आप पतले रखिए, ताकि ये रुमाली बनाते वक्त ये बीच से फटे ना, जैसा कि शेफ कर रहे हैं। अभी ये देखिए एक रुमाली बनाने का जो टेक्निक है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। ये देखिए कैसे शेफ ने घुमाया और इतनी बड़ी रुमाली बन गई। अभी देखिए भाई इसको तवे पे डाल दिया है, इसको थोड़ा जल्दी से टर्न करना पड़ता है ताकि ये जले ना, नहीं तो ये थोड़ा पतला होता है तो ये जल्दी से जल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें अपने दिमाग में। अभी ये देखिए ये अभी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी ये देखिए शेफ ने इसको फोल्ड कर दिया है। इसको फोल्ड करने का भी तरीके हैं अपने, ये देखिए फोल्ड करके इस पर भी सेकते हैं। ये देखिए अभी रख दिए। अभी ये शेफ इसको क्या किए, इसको बना के रख दिया। अभी देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हैंड का जो मूव है, हाउ टू मूव योर हैंड व्हेन यू मेकिंग अ रुमाली। ये देखिए कैसे घुमाया इन्होंने ना। अभी ये देखिए इसको स्लो मोशन में इसलिए दिखाया ताकि आप देख सकें कि कैसे हाथ को मूव करें ताकि एक परफेक्ट रुमाली बने। ये देखिए अभी स्टफिंग का टाइम आ गया है। मैंने मिक्सचर का वीडियो नहीं दिखाया है इस वीडियो में, तो इसमें कुछ है नहीं। आप बोलेंगे तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी इसमें आप अनियन यूज़ कर सकते हैं, बेल पेपर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं रेड एंड येलो बेल पेपर यूज़ करेंगे आप, और जो भी केचप आप यूज़ करना चाहें। आप वेज बना सकते हैं, पनीर के साथ बना सकते हैं, आप चिकन के साथ बना सकते हैं, जो आपको मर्जी, जो आपको बनाना है उस पर आप बनाइए। और ऐसे आपको स्टफ़ करना है। यहाँ पे हम टमाटो केचप बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, और जो नॉनवेज बनाते हैं उसमें एग को घोल के उसको इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हम टमाटो केचप यूज़ करते हैं बाइंडिंग के लिए, तो हम टमाटो केचप यूज़ कर रहे हैं। अभी ये देखिए ऐसे हम सारे बना लिए। अभी ये देखिए अभी इसको आ गया सेकने का टाइम, तो ये सेक रहे हैं शेफ़। एक ये जो हमारा डोसा वाला प्लेट होता है उस पर शेफ सेक रहे हैं। ये देखिए आप घी यूज़ कीजिए, आप बटर यूज़ कीजिए, आप कोई भी मतलब ऑयल यूज़ कीजिए, जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और तवे को गर्म होने के बाद उसको रखिए और तवा मतलब सेट करके रखिए, नहीं तो क्या होता है रुमाली चिपक जाती है। तो ये जो अपना वेज काठी रोल है या फिर कोई भी काठी रोल है वो फट सकता है। तो पहले तवे को सेट कीजिए अच्छे से और एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर दीजिए चारों तरफ से, इसको सेक करके एक अच्छा सा मतलब कलर आ जाए, गोल्डन कलर। गोल्डन कलर आने के बाद से हम इसको सर्व करेंगे। अभी ये देखिए थोड़ी हमारी ये बैंक्वेट की हाइटी के लिए हम ये बना रहे हैं, तो थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। बल्क में कुकिंग इधर चल रही है, तो क्योंकि अभी हाइटी है तो उसको देना है हमें। तो ये इतने बड़े बड़े भी नहीं जाएंगे, इसको शेफ 1/2 या फिर 1/4 ऐसा करके ये देंगे, तो जिससे कंजप्शन का थोड़ा सा है कि बहुत लोग वेस्ट करते हैं, तो जिसको जितना खाना होता है वो उतना ले लेगा। तो इसको हम पहले से ही ऑलरेडी इसको कट करके देंगे 1/4 या 1/5। तो इसको कट करके अभी थोड़ा सा शेक, अभी ये हुआ नहीं अच्छे से, तो शेफ इसको थोड़ा सा टर्न कर करके अच्छा सा एक कलर दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अभी ये देखिए ये ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है ये हो गया है। तो अभी शेफ इसको उठाएंगे तवे से और इसको कट करेंगे।
ये देखिए, हाँ भाई जैसे कि मैंने बोला कि हो गया है, अब ये उठा रहे हैं शेफ़, यहाँ से हटा रहे हैं। अब इसको चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे और इसको कट करेंगे। अभी देखिए देखिए, ये आ गया चॉपिंग बोर्ड पे, अभी एक कटेगा। अभी बहुत लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, तो भाई थोड़ा सा ये वेज है इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अभी चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप वुडन चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये प्लास्टिक का है। तो ये देखिए, अभी हमारा क्या बोलते हैं, एक एक फूड पैन में डाल रहे हैं शेफ़, और जिसके नीचे केले के पत्ते लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।